हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट और लेकर के आया हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी से रिलेटेड। तो गाइस, जो आपका वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यूएफआई के ऊपर अपडेट, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसके अपडेट्स के बारे में और इंस्टॉलेशंस के बारे में, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये भी मैं उसमें कवर करूंगा। और आपको एक हाईलाइट के रूप में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें अपडेट आया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले डाउनलोड कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधा ये डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 284 MB का ये फाइल है, तो देखिए ये फटाक से भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। UEFI का 1.6.2.3.3.3 ये इसका वर्जन अपडेट आया हुआ है गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ भी चीज नया आता है तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होता है। तो चलिए यहाँ पे फटाक से हम देख लेते हैं, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। एक सिंपल सा आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में आप क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होना आपका चालू हो जाएगा गाइस। तो ये अभी तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और फिर मैं इसको इंस्टॉलेशन की वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो ये डाउनलोड हो चुका है गाइस, अब मैं इसको सो इन फोल्डर पे करता हूँ और इसको फटाफट कर देता हूँ इंस्टॉल, क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको इंस्टॉलेशन भी दिखा दे रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो इस फील्ड में बिल्कुल ही नए हैं गाइस, तो ये इनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि हम कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, तो ये उनके लिए एक हो जाएगा। बाकी क्या इसमें अपडेट है वो अपडेट मैं बताऊंगा। और मेन चीज़ इसमें ध्यान देना है, आपका बॉक्स लगा होना चाहिए अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप बॉक्स नहीं लगाए तो आपका इंस्टॉल नहीं होगा गाइस। सेकेंड, ये आपको ड्राइवर का दिखाई दे रहा है, अगर आप में कोई ड्राइवर मिसिंग है तो आप यहाँ से ड्राइवर को क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर देंगे नेक्स्ट। इसको भी आप चाहे तो अनटिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये ड्राइवर है तो हमें ये ड्राइवर भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास यूएफआई का ड्राइवर नहीं तो आप यूएफआई का ड्राइवर यहाँ पे चला सकते हैं। तो फिलहाल हम कर देते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। बाकी ये उन लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज, ये जो पहले से काम कर रहे हैं उनको तो पता ही है कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और कैसे इसको अपडेट को देखना है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक सेटअप यहाँ पे और जुड़ जाएगा आपको, एंड्रॉइड का, एमएमसी का और एक यूएफएस का भी आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा गाइज। तो चलिए कर देते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे फिलहाल हम एमएमसी, एंड्रॉइड और यूएफएस देख सकते हैं, यहाँ पे तीन टूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको लॉन्च करना है, जो आपको खोलना है आप इसे खोल सकते हैं गाइस। तो मैं फिलहाल अभी एमएमसी का टूल बॉक्स खोलता हूँ गाइस यहाँ पे, तो ये हमारा ओपन हो रहा है गाइस और इसको खुलने देते हैं। तो गाइज ये इंटरफेस आप देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि स्पेशल है, स्पेशल टास्क इन्होंने दे दिया है। स्पेशल टास्क में चार चीजें उन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो अपडेट फॉर्मवेयर, यहाँ पे जो आप अपडेट करते थे FW, यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फुल फैक्ट्री रिसेट, यहाँ पे RPM भी जो भी आपका होगा RPM भी क्लीन हो जाएगा, फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा, ये सारी चीज यहाँ पे चार। और यहाँ पे देख सकते हैं नैंड, यहाँ पे भी आपका फोर्सली यहाँ पे जो भी चार मस्ट अपडेट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस ये अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। और जो भी स्पेशल टास्क में हम काम करते थे जो एरर होता था वो एरर को इन्होंने फिक्स कर दिया, जो एमएमसी डेड हो जाती थी अब वो डेड रिस्क नहीं रहेगा गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये छोटा सा एक अपडेट है, बाकी जो यूज कर रहे हैं उनको तो पता ही है। बाकी और हमारा एक टेक्निकल चैनल है टेक्निकल मिलन, आप उसमें भी जाकर के काफी सारे वीडियोस को देख सकते हैं एमएमसी से रिलेटेड, आपको वहाँ पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा अपडेट था। और भी आपको डीप नॉलेज चाहिए तो एमएमसी से रिलेटेड आप एक चैनल है हमारा टेक्निकल मिलन, उसमें भी जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। एमएमसी से रिलेटेड, फाइल चेंज से रिलेटेड सारा प्रोग्राम वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाइज। तो ये इसमें अपडेट था एमएमसी टूल में। और एक टूल है इसका, यूएफएस का टूल आया है, जो कि मैं यूएफएस का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक छोटा सा अपडेट आपके लिए था, ये यूएफएस का इंटरफेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यूएफएस का इंटरफेस ये लून कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे काम करता है सारा कुछ यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे लून का रीड राइट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे फैक्ट्री सेट में, तो ब्रांड वाइज जो यूएफएस चिप होगा मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। तो ये था गाइज इसका जो इंटरफेस अपडेट। और ये अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या अपडेट हुआ है। बाकी यहाँ पे आप डीप नॉलेज में पढ़ सकते हैं, स्पेशल टास्क जो इन्होंने दिया हुआ है सारा कुछ यहाँ पे इंटरफेस मेंशन किया हुआ है, क्या क्या यहाँ पे FW क्या अपडेट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी आप प्रैक्टिकल करोगे सारी चीजें यहाँ पे, यूएफएस का एडॉप्टर जब आ जाएगा तो आप यहाँ पे इसको बहुत इजीली तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो और इसके लिए और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको यूएफएस या एमएमसी से रिलेटेड फुल जानकारी दी जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मिलते रहिए ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।